राधे श्याम पटेल, क्या लगता है आपको, क्या माहौल अभी चल रहा है? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार आपको बनती दिखाई दे रही है? तो दोनों का टक्कर चल रहा है, लेकिन हमारे महासमुंद में कांग्रेस तो आज आए जैसे लग रहा है। क्यों कांग्रेस पे इतना क्यों भरोसा, जबकि यहाँ किसानों का बहुत अच्छा काम किया है, वो छूट भी किया है और अभी किसानों का कांग्रेस ही है, हमको अच्छा लगता है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार गई, बीजेपी भारी बहुमत से जो है वापस सत्ता में आई है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? हम तो कांग्रेस से चार आदमी चाहे। तो किन मुद्दों को लेकर इस बार लोग कांग्रेस को चुनना चाहेगी, क्या लगता है आपको? बीजेपी के पास राष्ट्रवाद का मुद्दा है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस तो किसानों का छूट किया है, धान पे रेट बढ़ाया है, बहुत रेट में धान भी लिया है और कुंटल भी बढ़ा है, और भाजपा कहाँ, वो तो झूठा सरकार है ना। मेरा नाम नंद कुमार साहू। अभी जो है 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपको, केंद्र में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है और क्यों? हमारे यहाँ केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिखाई दे रही है। अच्छा, क्यों आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र? क्योंकि उनके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम किए गए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर 370 हटाना, किसानों के प्रति उनका जो कार्य है, अभी दूसरों में जो उनका जो कार्य करने की शैली है, जो भारत में आज भारत का नाम रोशन किए हैं, वो जो आज से 60 साल पहले काम नहीं हो पा रहा था, उनके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम हुआ है। तो क्या लगता है कश्मीर पे जो 370 हटाया, अयोध्या में राम मंदिर बनाया, इन सब मुद्दों को लेके स्थानीय जो लोग हैं वो वोट करेंगे बीजेपी को? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, क्योंकि वो देश के हित में है। अच्छा, और बीजेपी जो कह रही है इस अब की बार 400 पार, क्या लगता है आपको, 400 के पार सीट जाएगी या कुछ कम? कांग्रेस शासन और विपक्ष में जितने उनके बिछाव का लाभ प्राप्त करते हुए बीजेपी 400 पार कर लेगी। अच्छा, और क्या लगता है कांग्रेस इस बार कितनी सीटें ले आएगी? पिछले समय जो उनका जो 48 से 50 कुछ था, कुछ तो बढ़ेगा इस समय कुछ, लेकिन कांग्रेस इस बार इंडिया गठबंधन करके अन्य पार्टियों के साथ लड़ वो लगभग टोटल मिला के 150 लगभग तक आएंगे वो, उससे आगे नहीं। संत पटेल, क्या लगता है अभी आपको लोकसभा चुनाव में आपको किसकी सरकार बनती दिखाई देगी? अभी तो कह नहीं सकते, बाकी कांटे की टक्कर चल रहा है और किसानों को जिस तरह से मोदी ने परेशान किया है, उस तरह देखा जाए तो किसान बदलने के मूड में है सब। अच्छा, तो क्या लगता है केवल किसानों के वोट से अगर ऐसा हुआ तो क्या कांग्रेस वापस आ जाएगी? बिल्कुल, अन्नदाता है, अन्नदाता खुश नहीं है भाजपा कार्य सरकार से। लेकिन कांग्रेस तो इस बार 272 सीट जो बहुमत का आंकड़ा होता है उस पर भी चुनाव नहीं लड़ रही, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के द्वारा लड़ा जा रहा है? कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के द्वारा लड़ के सीट लेंगे। तो कांग्रेस तो जहां तक ठीक है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो क्या यहां के लोग इंडिया गठबंधन पर भरोसा करेंगे कि उसमें टीएमसी से ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव हैं उत्तर प्रदेश से? बिल्कुल विश्वास करेंगे जनता। बीजेपी के पास जैसे और भी मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद उनका मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है, क्या लगता है आपको उन मुद्दों पर लोग उनको वोट नहीं करेंगे? नहीं, हमारे गांव देहात के लोग क्या जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं और हमको कोई परेशानी नहीं है मुस्लिम भाइयों से। क्या नाम है तुम्हारा? जगबंधु पटेल। क्या लगा था अभी लोकसभा चुनाव में केंद्र में काकर सरकार बना दिखा थे? मोदी का बात वो चल दे, वो हमारा बढ़िया सहयोग करा थे, वो क्या कहते हैं ये पैसा दे थे का ये महिला मन के महतारी वंदन। अच्छा, तुमन का क्या लाभ मिला थे? हमारा सब मिला था, बुढ़ा पेंशन मिला थे और किसान के वो वाला मिला थे, सब मिला थे। अच्छा, तो तुमन अभी मोदी के कार्यकाल में विकास दिखाई देते जमीनी स्तर पर? हाँ हाँ, बढ़िया, एक नंबर एक नंबर। अच्छा, और जो मोदी के जो हिंदुत्व के मुद्दा है जैसे राम मंदिर बने? हाँ हाँ, एक नंबर, जो भी करा था कार्यकर्ता वो एकदम एक नंबर है वो। कुंज राम, अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? हमारा दिल में तो है कि कांग्रेस सरकार बन जाएगा अगर। अच्छा, क्या क्यों आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार पहले चुनाव में बहुत सहयोग किया थे और हमको छूट दिया था और कि धान का रेट उसी द्वारा से बढ़ा है, कांग्रेस के द्वारा से ही बढ़ा है। तो अभी तो जो है लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जो आप बात कर रहे हैं वो राज्य सरकार में हुआ था। हाँ, तो ऐसे केंद्र में कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं? केंद्र में बहुत झूठा किया है, अभी तक ले नहीं दिया है, माने कि हर घर को, माने कि आवास
आवास देने के बोले थे, अभी तक किसी को नहीं दिया है हमारे गांव में। आपके गांव में अभी तक एक भी आवास नहीं बना? नहीं बना है, बना है दो चार ठो ऐसे। जिसको जरूरत उसको नहीं मिला है, जिसको जरूरत है उसको नहीं मिला है। हीरा लाल भोई, क्या माहौल दिखा था? अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, काकर सरकार बनी भाजपा के? भाजपा के काबर? भाजपा अच्छा कार्य करत है, अच्छा विकास करत है। अच्छा, हाँ। का तू मतलब ओकर विकास अच्छा दिखती जो मैं देख के बोल के? अभी महिला मन के जो महतारी वंदना में 1,000 रुपये दे थे, और किसान मन के सम्मान निधि योजना, और जो सोसाइटी में 3100 रुपया एक धान के रेट दिस ओकरे कारण। अच्छा, और कांग्रेस के कुछ संभावना दिखा थे, कतका सीट आ जाए कांग्रेस के? कांग्रेस के 2-3 सीट आ सकते थे, बाकी लगा थे। कहाँ, छत्तीसगढ़ में कि कहाँ? छत्तीसगढ़ में। और भाजपा जो कहा थे अब की बार 400 पार, क्या लगा थे 400 पार जही? जही बाकी लगा थे मोड़ का। कौन कौन मुद्दा ला देख के लोग मन वोट करें? यही हर क्षेत्र में उनके विकास अच्छा है।